सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, वो हमको बिल्कुल नहीं मिलना है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो एक ही मुसलमान को पार्लियामेंट का लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, 48 में से पास को दिया गया, नहीं दिया गया। उसको बोला गया कि हम आपको आने वाली विधान परिषद में जगह देंगे, मगर हमने देखा कि जो विधान परिषद के इलेक्शन आए, जो एक सॉलिड सीट थी हमारे पास कोटा था और 100% यहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदा चुन रहा सकता था, मगर भाव बोलने के बाद भी उन्होंने वहाँ दूसरे को दिया। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की ये पहली विधान परिषद होगी जिसके अंदर एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं। जब मैंने देखा कि मुसलमानों से वोट लिया जाता है, उनको बहकाया जाता है और जब सत्ता में भागीदारी का समय आता है तो उन्हें ठुका दिया जाता है। मैंने देखा कि अकोला जिला में वास्तव से मुस्लिम माइनॉरिटी को किसने सत्ता में हत्या, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। आपने देखा कि जिला परिषद में उन्होंने सभी अंजुम को अध्यक्ष बनाया, यही नहीं बल्कि उन्होंने दो मरतबा अकोला जिला परिषद के दो मुस्लिम उपाध्यक्ष बनाए, 6 से 8 इन्होंने यहाँ पे पंचायत समिति में मुस्लिम सभापति इंदर चल्ला सालों में किए, कई उप सभापति बनाए, कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम पंचायत के उन्होंने मेंबर लाए, ये नहीं बल्कि नगर परिषदों के भी अध्यक्ष अभी 2016 में इलेक्शन हुए तो बुल्डाना का और मजबूत का अध्यक्ष जिन्होंने उनको बनाया। आज भी हमारे जिला परिषद में महिला व बाल विकास की सभापति मुस्लिम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा लेकर सुना जाए कि जो वंचितों को इसमें भागीदारी दे, आज मुस्लिम भी वंचित की कतार में आए हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा परिचय करते हुए ये बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मेरा ताल्लुक आज से ही नहीं बल्कि शायद अकोला जिला के लोग नहीं जानते होंगे और मैंने भी उसको ज्यादा कभी नहीं बताया। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने ये देश का संविधान बनाया, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और मेरे माता जी के सके काका यानी मेरे नाना काजी करीमुद्दीन जो के संविधान सभा के मेंबर थे और उन्होंने भी संविधान बनाने में बाबा साहब का साथ दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो पुरानी परंपरा जो कि हमारे पीढ़ियों से आ रही है, क्यों ना हम उसमें जाए और उन्हीं के जो छोटे भाई थे एडवोकेट राजीव जासुद्दीन जो कि श्री काजी के नाम से जाने जाते थे बालापुर में 1953 से लेकर 1962 तक, जो कर वो आमदार रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहली टाइम उपलैंड ट्रस्ट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो भारत आपका हमारा जो पीढ़ी का साथ था, मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने वो फिर से उसको मैंने स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से मालूम है कि वंचित के जो लोग हैं वो हमेशा एक प्रश्न रहते हैं, ये बात सही है कि 2024 में खासतौर से मुसलमानों ने संविधान बचाने की तरफ देखा, मुसलमानों को बनाया गया कि आज संविधान को बचाने की बात है, इसलिए मुसलमानों ने पूरे देश में और खासतौर से महाराष्ट्र में अगाड़ी फोड़ दिया। मगर मैं खासतौर से हमारे अकोला डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो बताना चाहता हूँ कि ठीक है कि जो समय था वो समय चले गया, संविधान बचाने का जो काम था वो निकल गया, अब हमें इस राष्ट्र को बचाना है, भाजपा को शिवसेना को हमको हटाना है और हमारे यहाँ पे सत्ता लाना है। सत्ता के लिए हम सब वंचितों को और खासतौर से मुस्लिमों को इस आना पड़ेगा।
मैं खासतौर से हमारे महाराष्ट्र की जो मुस्लिम संगठन है, खासतौर से जमीन फिल्माए हिंद है, चाहे वो अरसद मंदिर साहब की हो, चाहे वो महमूद मंदिर साहब की हो, मुस्लिम प्रसन्ना बोर्ड है, जमात इस्लामिया है, हमारी सुन्नी जमात है, ऐसे हमारे छोटे छोटे जो मुस्लिम संगठन है, उनके सबसे अपील करता हूँ कि उसको सोचे कि आज महाराष्ट्र में हमको सत्ता में कौन ला सकता है, हमें हमारा बराबर का कौन ले सकता है। मैं खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली तमाम गाड़ियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसे के साथ मुझे उन्होंने बालापुर से टिकट दिया। मैं बाबा साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर वंचित रहूंगा, आपके जितने लोग हैं उनके पूरा काम करूंगा। मैं एक वंचित यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पंचायत आए हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपका कोई नेता नहीं बनूंगा, बल्कि मैं आगे का कार्यकर्ता बनूंगा, आपका छोटा सा कार्यकर्ता बनूंगा। आपसे ये विनती है।